बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने भाई खासकर जद्दा या रियाद, वैसे तो हर शहर में है, अगर आपने किसी बड़े शहर में जैसे कि जद्दा रियाद की इसलिए बात कर रहा हूँ मैं, तो आपने यहाँ पर देखा होगा खासकर जद्दा में, जैसे कि बड़ी माल तो भी गिराया जा चुका है। आप वादी चले जाएँ, आप चले जाएँ वादी मरीख चले जाएँ, आप फैसलिया चले जाएँ, आप हीरा पर चले जाएँ, आपको गदागर बहुत दिखाई देंगे, यानी कि मांगने वाले कुछ बंदे। अच्छा, इनमें खातून जो होती हैं उनके वो भी इसी जुमरे में। अच्छा, जो ये जो बताया गया है ना, 6 माह कैद और 50,000 रियाल का फाइन, बेसिकली मैं आपको इसके मतलब बताना चाहता हूँ। मैं आपने खातून देखी होंगी, इसके मतलब आपने कुछ मर्द हजरात देखे होंगे। मुझे तो आप यकीन कीजिए कि पाकिस्तानी मिला मदीना शरीफ में और मैं बैठा हुआ हूँ, तो मेरे पास आ गया, मेरे को बोलता है यार मेरी को हेल्प कर दे और मुझे मसला है जी। मैंने बोला क्या मसला है, तो उसने ना ये अपनी कमीज़ जो है ना ये ऊपर उठाई और जो इलास्टिक उसने सलवार में इलास्टिक डाली हुई थी, इलास्टिक नीचे की है, तो यानी कि उसकी जो फुल्लो थी ना, आप यकीन कीजिए नीचे वाली साइड या शायद ऊपर वाली साइड, वो ना उसने बांधी हुई थी अच्छी तरह दबा कर, और वो सूज कर इतने इतने ही साइज के। मैंने उसको बोला, मैंने देखा, मैंने बोला यार कुछ शर्म कर, तेरे को शर्म नहीं, बोलता यार मेरा मसला है, मैंने ऑपरेट करवाना है, वो डॉक्टर बोल रहा है पाकिस्तान जाना है, घर जाना है। मैंने बोला कि भाई तू इधर ही ठहर, मैं 911 के ऊपर कॉल करता हूँ, तेरे को अभी पकड़ आता हूँ। क्यों भाई, वो फ्राडिया था, फ्राड लगा रहा था, मैं उसको 10-20 रियाल देता वो जेब। ये लोग ऐसे ही दिहाड़ी लगाते हैं, ठीक है जी। और अभी आपको पता है जी, जो पकड़ वगैरह चल रही है सऊदी अरेबिया में, चाहे कोई बंगाली है चाहे वो सफाई वाला यानी कि बल्दिया वाला बंदा, वो भी अगर उसको भी कोई सऊदी दे रहा है तो उसकी खुफिया वीडियो बन रही है तो उसको भी पकड़ लिया जाता है, डिपोर्ट किए जा रहे हैं उनको, ठीक है जी। अभी आप में से अगर कोई बंदा ऐसा काम करता है तो बात रखिए कि कैसा काम है, आपको इस न्यूज़ के मतलब बताने लगा हूँ। अभी जी 6 माह कैद 50,000 रियाल का फाइन है, ये तमाम उन अफराद को होगा जो भाई किसी भी किसी किस्म की किसी भी गदागर की हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने उसको रिहाइश दी हुई है, मिसाल के तौर पर आपने उसको अपनी मोबाइल सिम अपने नाम के ऊपर मोबाइल सिम निकाल कर दी हुई है, मिसाल के तौर पर आप उसको ट्रांसपोर्ट मुहैया करते हैं, मिसाल के तौर पर आप उसको यानी कि आपको पता है ये बंदा फ्रॉडिया है और ये धोखेबाज है, आप उसको जायद रकम दे रहे हैं, ठीक है जी। तो 6 माह कैद 50,000 रियाल का फाइन आपके ऊपर होगा, उसके ऊपर जो होगा वो बात की बात है, आपके ऊपर 6 माह कैद और 50,000 रियाल का फाइन होगा, तो इस चीज़ से थोड़ा बाज रखिए और व्हाट्सएप के ऊपर देख लें बंदों की कॉलें चल रही हैं जी। बहरहाल जी, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा।